तो आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी और घुघनी। चलिए शुरू करते हैं। चने को धो लिया है, उसके बाद मिर्चा डालेंगे। मिर्चा थोड़ी देर लाल हो जाए थोड़ा, तो उसके बाद जीरा और मिर्च डालेंगे। थोड़ा जीरा मिर्च थोड़ा लाल हो गया, लहसुन डाल देंगे। इसमें लहसुन भी डाले हैं और खड़ा गरम मसाला भी डाले हैं। लाल हो गया, हम निकाल रहे हैं थोड़ा। फिर हल्दी हम डाल रहे हैं, उसके बाद बादी गरम मसाला है। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लेंगे। तीन हम प्याज लिए हैं और तीनों को छोटा छोटा हम काट लिए हैं, और काट कर इसको हम मिक्स कर देंगे इसमें। और जो मसाला हम भूजे थे पहले, उसको हम डालेंगे इसमें। पूरा हम मिक्स कर लिए हैं मसाले को, अभी मिला ले पूरा से अच्छा से। उसके बाद फिर मिर्चा हम डाल देंगे, उसके जो पाउडर है गरम मसाला का वो भी हम डाल देंगे इसमें, ताकि टेस्टी हो, अच्छा हो। जब तक हम पूरा मिलाएंगे नहीं, तब इसको खूब मिलाएंगे। प्याज तब तक गले नहीं, तब तक हम मिलाते रहेंगे। ये अच्छे से मिल गया मेरा प्याज और हरा मिर्चा, सब इसमें डाले हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे इसको। उसके बाद हम कुकर चढ़ाएंगे गैस पे, उसके बाद तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मिर्चा डालेंगे, उसके बाद तेज पत्ता डालेंगे। जीरा डालेंगे, फिर हल्का सुनहरा जब हो जाए जीरा और मिर्चा, फिर चने को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से हम डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे इसमें डालकर। पाँच मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देंगे हम, उसके बाद हम देखते हैं, फिर चलाएंगे अच्छे से ताकि सटे नहीं इसमें कुकर में। देखिए हल्का, फिर थोड़ा देर ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। उसके बाद एक कटोरी हम पानी डालें, देखिए। उसके बाद हम फिर आधा कटोरी पानी लेंगे, देखिए डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे तरह से खूब चला देंगे हम अच्छा से, और चला कर इसको सीटी लगाने के लिए हम बंद कर दिए। और जब सीटी, एक सीटी दे दिया, दूसरा सीटी दिया, हम गैस ऑफ कर देंगे थोड़ी देर में। देखिए मेरी लिट्टी छना रहा है, हल्का लाल हो गया है मेरा लिट्टी। अब इसे हम निकालेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा अच्छे से पक जाए। ज़्यादा गैस तेज नहीं रहना चाहिए। हो गया मेरा लिट्टी,
और घुगनी तैयार। देखिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।